नियम का पालन होना चाहिए। ये सदन महोदय नियम और नियमावली से चलता महोदय। नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष के आसन पर भी रहे हैं महोदय, आप फिर सदन में आकर वही सवाल उठा रहे महोदय, हमारी हमारी नियमापत्ति है महोदय। और इस तरह से अगर बार बार सदन शुरू होता है तब नेता प्रतिपक्ष उठ जाता है, सदन से बाहर चले जाते हैं, फिर लौट के आते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, तो क्या सदन नियम से चलेगा अध्यक्ष महोदय, नियमावली से चलेगा कि दबाव से सदन चलेगा? ये विरोधी दल के लोगों के दबाव से सदन चलेगा, मैं सदन जानना चाहता है अध्यक्ष महोदय। सदन नियम और कानून से चलेगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष बिना किसी कारण के सदन से बाहर चले गए, बिना बुलाए ही वो सदन में आए हुए हैं, ये परिपाटी नहीं है। आप गए और आप ही गए। अध्यक्ष महोदय, पीड़ित परिवार थाने के अंदर बैठा रो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री सारे कागजात लिए और उन्होंने कहा कि मैं पता कर करके कार्रवाई करूंगा, FIR में नाम नहीं होना, मंत्री को मंत्री पद का दुरुपयोग हो रहा है उनको बर्खास्त कर करके FIR तो प्रथम दृष्टया हो, उन पर कार्रवाई हो। और आज धमकी दिया गया है, सरकार इस पर जवाब दे कि क्या हुआ, 10 दिन से ज्यादा हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, हाँ हो तो गया, जवाब सरकार से दिलाइए ना, सरकार जवाब दे। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने इसको पूर्व में उठाया था, आज सरकार उसको दिखलवा रही है और सरकार दिखलवा करके जो संचित होगा वो कार्रवाई करेगी। आपने जो अभी सूचना दिया, मैं माननीय संसदीय मंत्री जी से चाहूंगा कि आप अपने स्तर से इसको, सरकार तो कार्रवाई कर ही रही है, आप सूचना को ग्रहण कर लीजिए। मैंने कह दिया। बोलिए महोदय। आप शांति बनाए रखें, ये प्रश्नकाल चल रहा है नंद किशोर बाबू। मैंने कह दिया कि सरकार सूचना ग्रहण करे, सरकार सूचना ग्रहण कर रही है। आपने मुझे अनुमति दी, इसलिए मैं खड़ा हुआ हूँ, बिना अनुमति के नहीं खड़ा हुआ महोदय। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। ये सवाल पहले भी सदन में उठा है और हम लोग बड़े प्रसन्न हुए जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों को बुलाया, बात किया, कागजात मांगा। महोदय, सामान्य परंपरा रही है, जिस बात का संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री लेते हैं तो उसका क्या हुआ। यह सरकार कभी न कभी कहती है, आधी अभी कह देगी, यही मैं नहीं कह रहा हूं, कभी न कभी कहती है। तो सामान्य रूप से संसदीय कार्यमंत्री बताएं इस संबंध में कब सरकार अपना वक्तव्य देगी, इतना ही तो बात है। मैंने आसन से संसदीय कार्य मंत्री को मैंने कहा है कि आप सूचना ग्रहण कर लीजिए। मैंने कहा वक्तव्य कब देंगे महोदय, सूचना ग्रहण करने का विषय कब वक्तव्य देंगे, ये विषय है ना। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष के आसन पर भी रहे हैं महोदय, और बिहार विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली को हम सब लोगों ने पढ़ा है और माननीय नंद किशोर बाबू भी पुराने सदस्य हैं सदन के महोदय। हमने देखा है अभी तक ये परंपरा नहीं रही महोदय कि किसी भी सवाल को माननीय नेता प्रतिपक्ष उठाए और किसी माननीय सदस्य ने उठाया और सदन से बहिर्गमन कर गए महोदय। आप फिर सदन में आकर वही सवाल उठा रहे महोदय, हमारी हमारी नियमापत्ति है महोदय, नियम का पालन होना चाहिए। ये सदन महोदय नियम और नियमावली से चलता महोदय, और इस तरह से अगर बार बार सदन शुरू होता है तब नेता प्रतिपक्ष उठ जाता है, सदन से बाहर चले जाते हैं, फिर लौट के आते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, तो क्या सदन नियम से चलेगा अध्यक्ष महोदय, नियमावली से चलेगा कि दबाव से सदन चलेगा? ये विरोधी दल के लोगों के दबाव से सदन चलेगा, मैं सदन जानना चाहता है अध्यक्ष महोदय। सदन नियम और कानून से चलेगा, विधानसभा के प्रक्रिया कार संचालन नियमावली से चलेगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष बिना किसी कारण के सदन से बाहर चले गए,
और फिर बिना बुलाए ही वो सदन में आए हुए हैं, ये परिपाटी नहीं है। आप गए और आ भी गए, आपको बुलाया जाता तो आ जाते, आप नहीं न गए। अभी प्रश्नकाल है, श्री हरिभूषण ठाकुर।